नई लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे BBK न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको मिलती रहे। बॉलीवुड एक्टर इरफान खान ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि उन्हें न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर नाम की एक बीमारी है। पहले खबरें आ रही थी कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर हुआ है, लेकिन अब इरफान ने खुद अपनी बीमारी के बारे में खुलासा किया है। आइए जानते हैं इस बीमारी के बारे में और इसके इलाज के बारे में। बता दें कि न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर आपके पाचन ग्रंथि और पेट संबंधी दिक्कतों को पैदा करता है। हाल ही में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने इसके एक नए इलाज को भी मान्यता प्रदान की है। ऐसा आवश्यक नहीं है कि यह बीमारी ब्रेन से संबंधित ही हो। FDA ने एक रेडियो एक्टिव दवा को मंजूरी दी है जिससे मरीज की जिंदगी बचाई जा सकती है। बताया जा रहा है कि इस नए ट्रीटमेंट का नाम ल्यूटेदरा है, जो कि पहली रेडियो एक्टिव दवा है जिसे इस ट्यूमर के लिए मंजूरी दी गई है। एवरीडे हेल्थ के अनुसार यह एक प्रकार का कैंसर हो सकता है जो कि अग्नाशय, पेट, आंत, मलाशय आदि में होता है। कई मामलों में यह कैंसर नहीं भी होता है। यह जरूरी नहीं है कि यह कैंसर ही हो। इरफान खान को जो बीमारी है वह बहुत ही रेयर है। आंकड़ों की माने तो 1 लाख में सिर्फ 5 लोगों को ही ये बीमारी हो सकती है। इस बीमारी में न्यूरोएंडोक्राइन कोशिकाएं बढ़ती रहती है और एक ट्यूमर में परिवर्तित हो जाती है। यह शरीर के अन्य भागों में भी फैल सकती है।